हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? आई थिंक आप सभी ठीक ठाक होंगे। बेटा, हम लोग आज पढ़ेंगे कि मिरर में जो इमेज बनती है, भाई मिरर का काम ही है इमेज बनना। इमेज कहाँ बनती है, कितनी दूरी पर बनती है, इमेज कैसा होता है, वास्तविक होता है, आभासी होता है, ठीक है, क्या प्रकृति होती है इमेज की, उल्टा है, सीधा है, ठीक है ना, इन सारी चीजों को हम देखेंगे, लेकिन एक्टिविटी से देखेंगे, लैब में जाकर देखेंगे। यहां लैब तो हमारे पास है नहीं, तो बोर्ड पर देखेंगे। आप लैब में जाकर ऐसा कर सकते हैं, ठीक है ना। आपको एक चीज याद होगी कि मैंने आपको एक तरीका बताया था, याद करिए, फोकस दूरी ज्ञात करने का। वो दर्पण फिट करके स्टैंड पर कागज जला देते थे रख करके, हाँ वही वाला, इसी की बात कर रहा हूं। तो आप पिछली वीडियो में उसको चाहे देख लीजिएगा कैसे करते हैं, या फिर आप एक काम करते हैं, चम्मच, जानते हैं चम्मच घरों में यूज होता है खीर खाने के लिए, उस चम्मच को एकदम न्यूली चम्मच लेने, बिल्कुल न्यू, एकदम चमक रही हो, ब्रिलियंट चमक हो उसमें, गजब की वाइटनेस हो, ठीक है ना। आप उस चमकती हुई चम्मच, अब ये नहीं कि आप चम्मच प्लास्टिक वाला ले लीजिएगा, स्टील की लीजिएगा, उस चम्मच को आप ऐसे करें एक बार अवतल दर्पण की तरह, उसको अपने चेहरे से दूर रखें, फिर पास लेकर आए, धीरे धीरे उसके अंदर बनने वाली इमेज को देखें कैसा हो रहा है। फिर उसी चीज को आप एक बार चम्मच को उत्तल बना लीजिए ऐसे करके, तब देखिए, फिर वही चीज करिए, देखिए होता क्या है, रिजल्ट क्या मिलता है, ओके। फिर उस रिजल्ट को नोटिस करिएगा ध्यान से। आइए मैं आपको यहां बताता हूं कैसे ये सारी चीजें हमको करनी है, ठीक है। देखिए, है तो बहुत सिंपल ये करना। आप चले जाएं लैब में और लैबोरेटरी टेबल पर एक लाइन खींच लें चाक से, ठीक है, एक लाइन खींच लीजिए चाक से, थोड़ी तिरछी होगी ये लाइन हमारी, मैं सीधी खींच ले रहा हूं, चाक से एक लाइन खींच लें। फिर आप एक काम करें, आप स्टैंड ले लें, लाइन खींचने के बाद कौन सा स्टैंड, मिरर स्टैंड ले लें, ले लिया मिरर स्टैंड। इस मिरर स्टैंड पर एक बेटा ऐसे लंबी सी लकड़ी लगी होती है मिरर स्टैंड पर, ठीक है, और इस स्टैंड पर आप अपने अवतल दर्पण को फिट कर दें। फिट कर दिया, मैंने फिट कर दिया अवतल दर्पण को, M1 M2 फिट कर दिया। और फिर अब आप पूरे स्टैंड और प्लस मिरर, जिसमें दोनों को सेट कर लिया, इनको उठा करके उसी लाइन पर जो खींचा है, इस तरीके से रखिएगा पूरे सिस्टम को कि जो फोकस, जो ध्रुव है किसका, दर्पण का, जो ध्रुव है P, जो ध्रुव है दर्पण का, वो किस पर आ जाए, उस लाइन पर आ जाए जिस लाइन को आपने खींचा हुआ है। फिर आप एक परपेंडिकुलर लाइन यहां खींच ले, ये लाइन किसको दिखा रहा है, ध्रुव की स्थिति को दिखा रहा है, ध्रुव की स्थिति, ठीक है ना। उसके बाद अब आप क्या करेंगे, अब आप एक काम करें, फोकस की स्थिति, किसकी स्थिति, फोकस की स्थिति कैसे पता करेंगे, उस दिन की तरह, किस दिन की तरह सर, उस दिन की तरह जो मैंने एक आपको बताया था, वही दर्पण स्टैंड, आग जलने लगा था, कागज जलने लगी थी, उसी तरीके से मान लीजिए आपने फोकस की स्थिति ज्ञात कर ली यहां पर या यहां पर ज्ञात कर ली फोकस की स्थिति। फिर आप इन दोनों को मिला दें, ठीक है ना, इन दोनों को मिलाती हुई एक रेखा खींच दें, ये आपका मुख्य अक्ष हो जाएगा। फिर आप क्या करें, फिर आप एक काम और कर लें, इस F से इस लाइन के पैरेलल एक और लाइन खींच लें, ये आपकी एक ऐसी लाइन हो जाएगी जो किसको दिखाएगी, फोकस को दिखाएगी, फोकस को, ठीक है ना। फिर आप एक काम कर लें, यहां से यहां के बीच की
परपेंडिकुलर डिस्टेंस काउंट कर लें, ये आपकी फोकस दूरी दिखाएगी। फोकस दूरी को 2 से मल्टी कर लें, वक्रता त्रिज्या मिल जाएगा। यहाँ से उतने ही डिस्टेंस मेज़र कर लें और मेज़र करके एक और लाइन खींच दें, ये आपके वक्रता केंद्र को दिखाएगा। फिर आप एक काम करें, आप क्या करेंगे, आप एक कैंडल ले लें, कैंडल को जला लें। जलाने के बाद कैंडल को इसी से लगभग 100 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर रखिए और जब रखेंगे सी से 100 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर, फिर एक कार्डबोर्ड ले लें और इस तरीके से एक कार्डबोर्ड ले लें, इस पर एक वाइट कलर का पेपर चिपका दें और फिर ऐसे करके कार्डबोर्ड को कैंडल और किसके बीच, ध्रुव के बीच ऐसे चलाएं। और चलाने के बाद आप देखेंगे एक बार ऐसी पोजीशन मिलेगी जहां पर इसकी जो इमेज होगी, किसकी ज्योत की जो इमेज होगी, वो आपको कॉपी पर ऐसे मिल जाएगी। जहां मिल जाएगी आप एक काम करिएगा, उसको वहीं 2 मिनट छोड़ दीजिएगा। कॉपी को क्या मिलेगा उससे, आप एक ऐसे कॉपी पर एक अदर पेज पर 4 खाने बना लीजिएगा। इसमें एक जगह आप वस्तु को कितनी दूरी पर रखा है, यहां से इसकी दूरी कितनी है नोट कर लीजिएगा, वस्तु की दूरी। फिर जो आपको इमेज मिली है, इमेज अगर कॉपी पर मिली है तो मतलब कैसी है, वास्तविक है, ठीक है। तो आप इमेज की प्रकृति नोट कर लीजिएगा कि कैसी है, वास्तविक है, ठीक है ना, किसकी, इमेज की। फिर आप क्या करिएगा, ये नोटिस करिएगा कि इमेज उल्टा है या फिर क्या है, सीधा है, यानी कि क्या है, प्रकृति दूसरी उल्टी है अथवा क्या है, सीधी है, उल्टी है या फिर सीधी है, ये नोट करिएगा। फिर ये भी नोट करिएगा जो इमेज मिला है उसकी साइज कितनी है, वस्तु की तुलना में कम है ज़्यादा है, ये भी नोट करिएगा, साइज किसकी, इमेज की, कम है इनसे या फिर क्या है, ज़्यादा है, ये आप नोटिस करेंगे, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, इसके बाद इस कैंडल को उठा करके यहाँ रख दें, यानी लगभग 10 सेंटीमीटर दूरी पर, कैंडल को 10 सेंटीमीटर दूरी पर रख दिया। फिर आप एक काम करें, फिर अब क्या करेंगे सर, मैं बता रहा हूँ, अब आप क्या करेंगे, अब आप उस कॉपी को फिर से क्या करें, फिर से ऐसे चलाएं। फिर चलाने के बाद जब आपको कॉपी पर क्या मिल जाए, इमेज मिल जाए, कॉपी पर इमेज मिल जाए, ठीक है ना, फिर आप ये सारी चीज़ें नोट करेंगे, इन सारी चीज़ों को। फिर आप क्या करेंगे, फिर आप कैंडल को यहाँ के बाद, ये फर्स्ट पोजीशन, यहाँ सेकेंड, फिर यहाँ ला कर रखें कैंडल को, ये आपकी थर्ड, फिर इन दोनों के कहाँ रखें, बीच में रखें आप 4 नंबर पे, फिर इस पर रखें, ये आपका कितना नंबर है, 5 नंबर है, ठीक है ना। सब बार करने के बाद आप यही वर्क करेंगे, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पर रखेंगे किसको, कैंडल को, यानी 6 नंबर पर। यहाँ पर रखने के बाद फिर आप यही सारी चीज़ें करेंगे, इन सारी चीज़ों को करने के बाद आपको रिजल्ट क्या मिला होगा, मैं बताता हूँ। इन सारी चीज़ों को करने के बाद रिजल्ट क्या मिलेगा, आप जब यहाँ रखे होंगे और यहाँ रखने के बाद आप जैसे जैसे कैंडल को लेकर इस तरफ आ रहे थे, यानी कहाँ, आगे की तरफ आ रहे थे, यानी कि पहले से लेकर 5वीं पोजीशन तक, आपको क्या दिखा होगा, आपको दिखा होगा कि जो इमेज आपको कॉपी पर मिल रही है उसकी साइज़ हमेशा क्या होती गई होगी, बढ़ती गई होगी, निरंतर बढ़ रही थी। जैसे जैसे आप इधर आ रहे थे, कॉपी पर जो इमेज बन रही थी उसकी साइज़ बढ़ती गई। फिर आपने ये भी देखा होगा कि हमेशा इमेज उल्टा मिला होगा। फिर आपने ये भी देखा होगा कि इमेज अगर आपको कॉपी पर मिल रहा है तो मतलब वास्तविक है, लेकिन आपको यहाँ पर जब आपने वस्तु को सी पर रखा होगा तो आपने देखा होगा कि इमेज की साइज़ बिल्कुल वस्तु की साइज़ के बराबर रही होगी, आपने देखा होगा, और यहीं पर मिला रहा होगा आपको इमेज, ठीक है। उसके बाद आपने देखा होगा कि 5 नंबर पर जब आपने वस्तु को रखा तो बहुत बड़ा इमेज मिला होगा, लास्ट इमेज मिला होगा, लेकिन 6वीं बार जब आपने रखा एफ और पी के बीच में, तब आपको कोई इमेज मिला ही नहीं होगा, आप बहुत परेशान रहे होंगे। एक्चुअली बात यह है, उस बार इमेज आपको तब मिलेगा जब आप किसमें देखेंगे, मिरर के अंदर देखेंगे। मिरर के अंदर क्यों, तब आपका आभासी इमेज मिलेगा, वो आपको पेपर पर मिलेगा नहीं। और आभासी इमेज दर्पण के कहां मिलता है, पीछे मिलता है,
ठीक है ना। ये रही बेटा कुल कंडीशन हम लोग के किसकी वस्तु का दर्पण के सामने रखने पर मिलने वाले प्रतिबिंब की। अब मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। गुड बाय।